दोस्तों वीवो की वी सीरीज जो है ना, दैट इज फेमस फॉर टू थिंग्स, लुक्स एंड कैमरा। अब दोस्तों 6 महीने पहले वीवो V25 प्रो आया हुआ था, एंड नाउ वी हैव गॉट V27 प्रो। जी हाँ, आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन करेंगे, देखेंगे कि भाई जो वी सीरीज की लेगेसी है वो ये V27 प्रो कैरी फॉरवर्ड करता है। यानी ऑलराइट, सिल्वर कलर का बॉक्स है, वीवो लिखा हुआ है, ब्लैक लेटरिंग है, एंड फोन इज राइट अप फ्रंट। केस आती है, देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। ओ, बड़ा चार्जर है, 80 वॉट का फ्लैश चार्ज आता है, फास्ट चार्जिंग है, सो या 80 वॉट, एंड यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है, एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। या यही है सब कुछ बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं फोन के पास, लेट्स कीप द बॉक्स असाइड। दोस्तों जब हाथ में लेते हो ना ये फोन, इट इज थिन, प्रोबेबली द थिनेस्ट फोन अभी तक मेरे पास जो आया हुआ है। 7.36 mm थिकनेस है इसका, सो इट इज वेरी वेरी स्लिम। आज ऐसे निकालते हैं। नाइस ब्लू कलर, इसमें दो कलर आते हैं, एक ब्लैक है एंड दिस वन इज ब्लू, एंड इट इज कलर चेंजिंग बैक है इसमें, तो आप धूप में इसे लेके जाओगे तो ब्लू वगैरह दिखेगा, ये लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू हो जाएगा। वैसे कलर चेंजिंग बैक है तो टेस्ट तो करना है दोस्तों, ये यूवी लाइट है, लेट्स डू दिस। यस, तो धूप में लेके जाओगे डार्क ब्लू हो जाएगा, घर के अंदर आ जाओगे तो लाइट ब्लू हो जाएगा, सो यू विल हैव डिफरेंट कलर्ड फोन्स ऑल द टाइम। एनीवेज, अगर आप कैमरा मॉड्यूल के पास देखते हो तो इधर ऑरा रिंग है, जी हाँ, वो एलईडी लाइट है, इट इज क्वाइट ब्राइट। जब स्टार्ट करूंगा फोन तो मैं आपको दिखाऊंगा तीन कैमरास वगैरह हैं। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, यूएसबी टाइप सी है, सिम कार्ड ट्रे है, एंड देन यू हैव स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में देखोगे तो पावर बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, एंड देन नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। एक चीज मुझे नहीं दिख रही है और वो है 3.5 mm जैक, या नहीं है, और ऊपर लिखा हुआ है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट, सो यस कैमरा फोकस्ड है। इन हैंड फील जबरदस्त है, या कर्व्ड स्क्रीन है, पीछे की तरफ भी कर्व्ड बैक आती है, कितना ज्यादा स्लिपरी नहीं है, बट दिस अ बिग फोन, छोटे हाथ होंगे तो शायद थोड़ा बड़ा लगेगा, बट इन हैंड फील अच्छा है। डिस्प्ले देखिए, वेरी नाइस, ओ लुक एट दैट स्क्रीन दोस्तों, ब्यूटीफुल स्क्रीन, एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चिन देखिए बहुत ही पतली है, साइड के बेजल्स कर्व स्क्रीन होने की वजह से नॉन एग्जिस्टेंट कहूंगा, ऊपर का जो बेजल है वो भी बहुत पतला है, सेंटर पंच होल है। दिस इज नियरली ऑल स्क्रीन, 93% के ऊपर दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। वैसे अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 6.78 इंच का 120Hz फुल HD AMOLED डिस्प्ले आता है, और अगर मैं टच सैम्पलिंग रेट के बारे में बात करूं तो 360Hz टच सैम्पलिंग रेट है, HD 10 का भी सपोर्ट आता है, एंड द कर्व स्क्रीन लुक्स गुड, या 60 डिग्री का कर्वेचर है, इट डेफिनेटली लुक्स प्रीमियम आगे से भी और पीछे से भी। ओह, वेट भूल गया, साजिद जस्ट रिमाइंडेड मी, वेट, लेट्स डू दिस, ओके, 188 grams, इट्स थिन एंड लाइट, 180 grams, डिस्प्ले अच्छा है, दिखने को बहुत अच्छा है, लेकिन कैमरा कैसा है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी वी सीरीज। अब उसमें भी दोस्तों अगर मैं V25 Pro के साथ कंपेयर करूं तो देर इज एन अपग्रेड, उसमें 64 megapixel का ट्रिपल कैमरा सेटअप था, इसमें 50 megapixel का है, इसमें सोनी IMX766V ये सोनी का सेंसर आता है, सो दैट इज गुड, 50 megapixel ऑफकोर्स, एंड इट क्लिक्स रियली नाइस पिक्चर्स, बहुत सारे पिक्चर्स हमने क्लिक किए हुए हैं, जी ड्राइव लिंक दे रहा हूँ। लेकिन अगर सेकेंडरी सेंसर के बारे में बात करूं, इट इज 8 megapixel अल्ट्रावाइड एंड 2 megapixel मैक्रो, बट द मेन थिंग ऑन दिस वन इज द सेल्फी सेंसर। पिछले टाइम 32 megapixel का था V25 Pro में, इसमें आपको 50 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है, जी हाँ, एंड आई टेल यू व्हाट, अच्छे फोटोज निकालता है, स्किन टोन्स वगैरह अगर आप देखोगे दे कम आउट रियली वेल, लुक एट दैट। वैसे आपको ऑरा लाइट दिखाता हूँ पीछे की तरफ, तो यू नो कंडीशन थोड़े लो लाइट वगैरह अगर होगा तो आप ये डालिए, बहुत अच्छे फोटोज आएंगे, लेट मी शो यू दैट, देखिए कितना ब्राइट है, दिस इज रियली ब्राइट। और एक तो इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, वैसे ये जो ऑरा लाइट है, रात को आपको फोटोज वगैरह निकालने तो आराम से आप निकाल पाओगे, इट इज क्वाइट ब्राइट जैसे मैंने पहले बताया, और इसमें एक इंटरेस्टिंग नया मोड आता है जो किसी भी दूसरे कैमरा में नहीं मिलता है, वेडिंग स्टाइल पोर्ट्रेट मोड। जी हाँ, इतने सारे वेडिंग्स होते हैं, अगर उधर वेडिंग्स में आपको फोटोज वगैरह निकालने, उससे निकालिए और ज्यादा निखर के आएंगे आपके फोटोज। और अगर सेल्फी के बारे में बात करूं तो ऑटो फोकस सेल्फी 50 megapixel से आप निकाल पाओगे। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, जी हाँ, सेल्फी से भी आप 4K वीडियो शूट कर पाओगे, पीछे और आगे दोनों ही
4K वीडियो सपोर्टेड है। और हाँ, रेयर में OIS का भी सपोर्ट है, तो फुटेज भी आपकी स्टेबल ही होगी। वैसे और एक चीज है दोस्तों, एक्सट्रीम नाइट विजन नाम का एक फीचर आता है। तो बेसिकली आप जब फोटोज निकालते हो तो वो पहले फोटो निकालता है और फिर प्रोसेस करता है, फिर आपको दिखाता है। इसमें ऐसे नहीं है, रियल टाइम आपको दिखता है। सो जैसे फोटो दिखने वाला है, जो आउटपुट आने वाला है, वो आपको पहले ही स्क्रीन पे दिख जाता है। और लो लाइट में अगर आपको वीडियोस निकालने हैं तो सुपर नाइट वीडियो मोड भी आता है इसके अंदर। यस, तो थोड़े ब्राइटन अप करता है, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं। वैसे हमने बहुत सारे सैंपल्स वगैरह भी शूट किए, जैसे पहले बताया दोस्तों, जी ड्राइव में देखिए, ओरिजिनल क्वालिटी में सब दिखेंगे आप। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप V25 Pro के साथ कंपेयर करते हो तो बहुत बड़ा जंप है। इनफैक्ट नियरली सभी चीजों में बहुत बड़ा अपडेट है। इसका जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट Dimensity 8200 5G प्रोसेसर आता है, क्लोज टू फ्लैगशिप लेवल आपको परफॉर्मेंस देता है। LPDDR5 RAM टाइप आती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है। और हाँ, इसमें वर्चुअल रैम 8GB वर्चुअल रैम आती है। वाओ, अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो 4600 mAh की बैटरी है, 66 वॉट चार्जिंग है। जी हाँ, जो ब्रिक है दैट इज 80 वॉट, बट फोन सपोर्ट करता है 66 वॉट को। बट 4nm प्रोसेसर है दोस्तों, डायमेंसिटी 8200 आराम से आपको दिन भर जाएगी, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आई हैव टेस्टेड द डायमेंसिटी 8200 पहले भी, एंड जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों, इट्स अ वेरी केपेबल प्रोसेसर। अंतुदु स्कोर इसका 8.5 लाख के ऊपर आता है, एंड गेमिंग वगैरह आप आराम से हाईएस्ट सेटिंग पे भी कर पाओगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। एंड हमने गेम्स खेल के देखे दोस्तों, एपेक्स लेजेंड्स, COD मोबाइल, मक्खन के जैसे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। वैसे गेमिंग के लिए इसमें गेम बूस्ट मोड भी है, एंड हाँ, वेपर कूलिंग चेंबर भी है। कहां पे उन्होंने डाला है पता नहीं है, क्योंकि इतना पतला फोन है, बट है जरूर। वैसे अभी हमें लग रहा है कि इसमें और एक वेरिएंट हो सकता है, लॉन्च के पहले अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट देयर माइट बी अ 12GB वेरिएंट एज वेल। दोस्तों अगर OS के बारे में बात करूं, फन टच OS 13 आता है, व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 13। तो यस, यू गेट Android 13। हाँ, इसके अंदर यू नो थर्ड पार्टी एप्स है जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, और हाँ, द सेम हॉट गेम्स, हॉट एप्स वगैरह जो है वो भी है, वो उनके प्ले स्टोर से आपको डिसेबल करने होंगे। एक दो फीचर्स OS के अच्छे हैं दोस्तों। एक तो एंड्रॉइड 13 होने की वजह से उनका जो मटेरियल यू है वो यूज हुआ है, उसमें कलर पिकर नाम का जो फीचर है वो भी है, तो आपकी पूरी थीम जो है वो आपके वॉलपेपर के हिसाब से आप कलर्स या फिर आइकन कलर्स वगैरह चेंज कर पाओगे। सो दैट इज गुड, डायनेमिक वॉलपेपर्स वगैरह आते हैं। सो या, इट इज क्वाइट फीचर है। लेकिन फन टच OS के बारे में आपको क्या लगता है ये जरूर बताइए दोस्तों, बिकॉज यू नो देयर आर मिक्स्ड रिव्यूज अबाउट इट। आप बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अबाउट फन टच OS। सेंसर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, एवरीथिंग इज देयर, वर्क्स फैंटास्टिकली वेल, नो प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी में दोस्तों, ऑब्वियसली 8200 5G प्रोसेसर है, सो आपको 5G वगैरह मिलता है। 7 बैंड्स का सपोर्ट है, एंड जो भी इंडिया में यूज होते हैं सब बैंड्स चलते हैं, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। वाईफाई 6 है एंड ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट आता है। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज मल्टीमीडिया। जी हाँ, क्योंकि इसका डिस्प्ले सही में बहुत अच्छा है, एंड इट इज वेरी ब्राइट एज वेल, ब्यूटिफुल रिच कलर्स, ब्लैक्स आर ब्लैक्स, ऑब्वियसली एमोलेड है। वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका बहुत जबरदस्त होने वाला है इसपे, नो डाउट। एंड ऑडियो के बारे में बात करूं, लाउड भी है एंड क्वालिटी भी अच्छी है। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस दोस्तों आपका बहुत अच्छा होने वाला है इसके ऊपर। हाँ, लेकिन याद रखिए, मोनो स्पीकर है, लाउड है, मोनो स्पीकर्स है, यू डोंट सी अ स्पीकर ग्रिल हियर, सो मोनो स्पीकर्स दे अलाउड। बाकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यस, इसमें IP54 सर्टिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन लाइट ऑब्वियसली नहीं है। वैसे दोस्तों, वीवो से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे टेस्ट भी किए हुए हैं। इसका मतलब अगर आप टेबल पे या कुर्सी पे बैठे हो, 40 या 42,000 टाइम्स गिरा के देखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सो दैट इज देयर। देन प्लगिंग अनप्लगिंग कुछ 1 लाख के ऊपर उन्होंने टेस्ट किए हुए हैं, सो दिस इज वेल टेस्टेड फोन एज पर वीवो। अब दोस्तों जब अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तभी इसकी प्राइस पता नहीं है, बट इट शुड बी बिटवीन 37,000-38,000 के करीब होगा। उस हिसाब से मैं कहूंगा वी सीरीज का फोन, देखिए जनरली दिखने को अच्छा होता है, कैमरा अच्छा होता है, बट परफॉर्मेंस इज नॉट द हाईलाइट। लेकिन 8200 प्रोसेसर लेके आने की वजह से इवन परफॉर्मेंस वाइज वीवो V27 प्रो हैज बीन अपडेटेड, एंड दैट इज अ गुड थिंग। और एक बात कहूं दोस्तों, ऐसे लगता है लेकिन ऑफलाइन स्टोर्स में वी सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जो पहले से वी सीरीज यूज करते हैं वो अभी भी वी सीरीज ही यूज करते हैं, सो फॉर देम This is going to be a good upgrade. जी हाँ, यही है Vivo V27 Pro। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब।